हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन कलर सेटिंग को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन कलर सेटिंग के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन कलर का। ठीक है, इसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब ये स्क्रीन कलर का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका मैं आपको यूज बता देता हूं। आपका जो है ना यहाँ पर पहले से स्टैंडर्ड पे टिक मार्क लगा होगा, ठीक है, या फिर किसी भी ऑप्शन पे हो सकता है लगा हुआ। आपको जो है ना दूसरे ऑप्शन पे टिक मार्क लगा लेना है। तो जैसे ही मैं इसे जो है ना दूसरे पे लगाता हूँ टिक मार्क, जैसे प्रोफेशनल या ब्राइटनेस पे, तो देखेंगे आप मेरे मोबाइल फोन का जो स्क्रीन का कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। आप देखिए मैं इसे प्रोफेशनल पे टिक मार्क लगाता हूँ, ठीक है, हल्का सा आपको चेंजेस देखने को मिला हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ब्राइट पे लगाता हूँ, तो इस तरीके से आपको हल्का सा चेंजेस आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये नीचे की साइड में ये जो कलर टेम्परेचर देख रहे हैं ना, कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ठीक है, इसके जो नीचे की साइड में जो दे रखा है ना, ये जो पॉइंटर दे रखा है, इस पॉइंटर को आपको उंगली से इस तरीके से लेफ्ट और राइट करना है, तो आपका स्क्रीन कलर भी यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, मैं इसे जल्दी जल्दी करता हूँ, तो आपको ये ठीक से दिखाई देगा स्क्रीन कलर चेंज होता हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाथ में पकड़ में आ जाए बस एक बार, तो मैं इसे जो है लेफ्ट और राइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैं इसे जल्दी जल्दी करता हूँ, तो देखिए हल्का सा कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये स्क्रीन कलर आप यहाँ पर जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, इस पॉइंटर के जरिए। ठीक है, और अगर आप ये जो डिफॉल्ट का ऑप्शन है ना, सबसे नीचे डिफॉल्ट का ऑप्शन, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है आपके मोबाइल फोन का जो स्क्रीन कलर है ना, आपके मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप स्क्रीन कलर सेटिंग को, ठीक है, अपने IQ Z6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में। ठीक है, इसे यूज जरूर करके देखिए।